रात आपने देखा खनन माफिया जो कि कठुआ में प्रचंड हो चुका है और कठुआ का भोला भाला इंसान, कठुआ की भोली भाली जनता जिसको ये खनन माफिया लूट लूट कर खा रहा है। बात करें रेत की, बात करें बजरी की, बात करें बोल्डर स्टोन की, या बात करें वेट मटेरियल की, इन लोगों ने अब तो हद ही क्रॉस कर दी है। आज समय वो आ गया कि हम लोगों को दो दो कमरे बनाने के लिए जो क्रशर की जो इन्वेस्टमेंट है, जो लागत है, वो 10 लाख 15 लाख से ऊपर जा रही है दो दो कमरों के लिए। इन्होंने उसका महंगाई का स्तर जो पर फिट पर ट्रॉली पर 100 स्क्वायर फिट का जो पर सैकड़ा का जो रेट है वो रेते का 3000 रुपया, 3500 रुपया, 3200 रुपया। तो ये जो बाधाएं आम लोगों की जिंदगी में आ रही हैं, कहीं ना कहीं हम इस चीज का संज्ञान ले रहे हैं और संज्ञान लेने के बाद इसके लिए कड़े कदम उठाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। जैसे कि बीती रात आपने देखा कि हमने अपने स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू उन ट्रालोज को, वो ट्रालाज जो यहां से भरकर जिनकी क्वांटिटी 70 मीट्रिक टन, 80 मीट्रिक टन, 100 मीट्रिक टन थी, जो हमारे रिसोर्सेज से, हमारे मिनरल से पंजाब की तरफ जा रहे थे। अब बात यह आती है, मुद्दा यह बनता है कि क्या कठुआ के जितने भी बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, जिसमें जिला इंतजामिया में, मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहूंगा डीसी कठुआ से और माइनिंग डिपार्टमेंट से, अगर हम इस चीज को किसी और डिपार्टमेंट से जोड़ें इलॉजिकल सा लगेगा, क्योंकि इसका एक प्रॉपर चैनल है, एक डायरेक्टोरेट है, एक डायरेक्टर ऑफ माइनिंग है, उसका डिस्ट्रिक्ट में डिपार्टमेंट्स की ब्रांचेस हैं जो इस चीज को रेगुलेट करती है और उसके थ्रू माइनिंग होती है और मटेरियल आगे जाता है। बाद में क्या प्रतिक्रिया बनती है वो बाद की कहानी है। जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है माइनिंग डिपार्टमेंट की। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रॉपर हेल्थ की होती है, उसमें कोई एडजॉइनिंग दूसरा डिपार्टमेंट नहीं होता, उसी तरीके से ये जो रिसोर्सेज हैं जो जहां से लूट लूट कर दूसरी स्टेट में भेजे जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं, मैं सुबह भी कहा, आज कल रात को भी कहा कि पूरी की पूरी दाल काली है, दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। और इसका संज्ञान लेने के लिए, क्योंकि ये एक आम इंसान की जरूरत है, हर इंसान को शत चाहिए। ये जितने भी जो एरियाज हैं, ये खनन माफिया, इन्होंने हमारे क्रशर वालों को जो रॉ मटेरियल देना है उसकी जो कॉस्टिंग बढ़ाई है, अल्टीमेटली जो रेट बढ़ रहे हैं ये उसका नतीजा है, क्योंकि ये यहां के तो है नहीं, ये यहां के है नहीं। टेंडरिंग सिस्टम होता है, टेंडर निकलता है और कुछ ये माल की बदौलत टेंडर निकलवा भी लेते हैं, अपने फेवर में कर भी लेते हैं, वो चाहे किसी डिपार्टमेंट को घुस जाती है जो उसमें कौन कितनी एडजस्टमेंट करता है ये तो भगवान को पता होगा। मगर कहीं ना कहीं इन संदिग्ध परिस्थितियों में कठुआ का यूथ, मैं रंजीत सिंह पठानिया, मेरे साथ यूथ फेडरेशन के प्रधान सनी शर्मा जी, हमारे साथ ये जो जितना भी यूथ कठुआ का बैठा है, इसके लिए हम अपना संघर्ष जो है वो जारी रखेंगे, ताकि आम लोगों को जो बजरी है, जो जिला इंतजामिया रेट मुकर्रर करती है 13 रुपए फुट, 12 रुपए फुट, 15 रुपए फुट, उन रेट्स में ये जो मटेरियल है ये मुहैया हो सके। मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर ये धांधली बंद नहीं हुई तो जिस तरीके से बिजली के लिए, पानी के लिए रोड पर एजिटेशन होती थी, उसी तरीके से मिनरल्स माफिया के अगेंस्ट हम लोग रोड पर एजिटेशन करेंगे, हम लोग उसी वे में इसको लेके जाएंगे जैसे लोग एसेंशियल सर्विसेज को लेके जाते हैं, क्योंकि वो दिन दूर नहीं, अगर यही खनन माफिया इस तरीके से माइनिंग चलती रही, वो दिन दूर नहीं जब पर स्क्वायर फिट का हम लोगों के पास 80 से 100 रुपया देने के अलावा और कोई जो माइनिंग माफिया जो है ना, जो दिल्ली तो आए थे ना, वो जो मेरे भरा इतने बैठे थे ना, मीडिया वाले कवर करा देना, सानू बड़ा शुक्रगुजार करना, क्योंकि आने वाले दिन विच मुझे लगता नहीं है कि साडा कोई इतना ज्यादा साथ देगा, क्योंकि ये बड़ी बड़ा नेक्सस हो चुके दा, क्योंकि आखने का मतलब यह है कि दिल्ली का एक बंदा उठिए और पंजाब का एक बंदा उठिए, पूरे J&K दे विच राज करा दा है, उन लखनपुर को लेइए ते श्रीनगर दे विच टेंडर ले देना है, थोड़े दिन के बाद बीच बीच मैं थोड़ा दसांगा, क्योंकि इन्होंने किन्नी ज्यादा इतों का रेता और बजरी किन्ना पंजाब दे विच, सारे को ज्यादा पंजाब दे विच इन्हें फैलाया। और मैं आखना चाहना जे जम्मू के लोगों की जरा इन्हें नकारिया है, और उसके बाद मैं थोड़ी गल आखना चाहना, जिस तरीके का सारे को वाला नैक्सेज होता पंडोरी तो,
पंडोरी साड़ी की जगह है उत्तों नैक्सी जो आ वो माल सारा दा सारा पंडोरी दा माल जा दा जिन्याल चो जिन्याल जिड़ा पंजाब को लो बिलांग कर दा सारा माल रातो रात जिन्याल दा 100-100 ट्रक जिड़ा इधरो जा दा है और मैं आखना चाहना ये है मीडिया ले पर आएंगी साड़ा साथ दियो ये खबर इड़ी है इसे रोकियो नहीं इसे आगे तक बिल्कुल पजायो क्योंकि उसके बाद जिड़ा तरना तरना इड़ी एक जगह है उतो का किस सिस्टम है उधर भी कोई रेंट डील नहीं होती कोई डील नहीं होती है उधरों भी माल पटवा दा तरना का भी माल पटवा दा उसके बाद आई गल सार फट दी सार खड़ का की है कि जिस जिस भी बंद ने सार खड़ का ठेका लेता है उनके कित कि अपने एरिए माइनिंग नहीं कर रहा उस साइड वाले एरिए कर रहा माइनिंग कराई कराइए डीएमओ साहब कुछ सुत देना मैं थोड़ी फोटो दसना चाहना इस सार खड़ के फोटो ने इस सार खड़ के फोटो ने यह नैशनल हाईवे का पुल है यह नैशनल हाईवे का पुल है रेलवे का पुल है यह सारा सारा माइनिंग माफिया ने इधरों जिन्ना भी रेता बजरी इधरों ढोइए पंजाब च भेजा और सानू 35 रुपए सानू 35 रुपए रेता बजरी मिला दा और पंजाब च 25 रुपए मिला दा सानू जिहड़ा है बिल्कुल लताड़ा जा दा मैं सारे को पहले सारे को यार नजरअंदाज सारे को सानू नजरअंदाज किया है साड़ी जिहड़ी गौरमेंट ने एल जी गौरमेंट होई क्या है बीजेपी गौरमेंट होई 370 टुटने के बाद साड़ा वह बुरा हाल इन्हें गौरमेंट ने किया बाहर के लोग इधर आइए राज कर रहे हैं साढ़े लोग कारोबार नहीं है और साड़ा रेता बजरी जिहड़ा है बाहर जा रहा आने वाले दिन के सानू जिहड़ा रेता बजरी ये है 6000 रुपया 7000 रुपया 8000 रुपया सैकड़ा मिलनी है मैं कठुए के लोगों आखना चाहना साड़ा साथ दियो मैं कोई लीडरी नहीं करनी ना ही कोई पठानी साहब ने कोई लीडरी करनी है पठानी साहब लीडरी करेंगे अहें दे नाल है पर आखने का मतलब यह है कि सनी शर्मा कोई भी लीडरी करने नहीं है जिहड़े लीडर है जम्मू के कठुए के वह लीडर कुत्थे सुत्ते ने गल्लां बहुत बहुत वड्डियां करा दे ने और कुत्थे ने एड्डा बड़ा नैक्सस फैले दा है इहदे बारे कौन सुध-बुध लैग गरीब लोगों वास्ते मकान नहीं बना दिया है तो तुम्हें रेता बजरी नहीं महंगी हुई है तो मेरे लीडर लोग उत्ते सुत्ते देने कठुए लोग सारे जने एकजुट होइए आन और डीएमओ साहब को मैं पूछना चाहना कि जेडे एडे एडे 50-50 फुट के खड्डे पई देने उसकी सुध बुध कौन लेगा सर को पहले कार्रवाई डीएमओ साहब पर होनी चाहिए है उसके बाद मैं थोड़ा एक चीज होर भी ऐड करना चाहना राती मीडिया के भराएं और अहें मिलिए गड्डिया फड़िया सवेरे गड्डिया नहीं लुभिया गड्डिया कुधर गई उनकी कोई सुध बुध नहीं लैदा है आखने का मतलब है डीएमओ साहब मैं आखना चाहता इस माइनिंग के मेन जो ऑफिसर ने डीएमओ साहब ने अहे बार बार डीएमओ साहब का इस करी ना लैने है कि प्रैशर लगे दा अपना के ना आता पंडोरी तो ए फार्म आता बिलावर तो वह कि हिसाब का वो कि इंसानियत है कुधरों आता ए फार्म बिलावर तो आता कोई बसोली तो आता है सारी मिली सारखंड च भी है सारखंड का भी जो फार्म है वह आता कोई उधरों बिलावरों आखने का मतलब है क्रैशर कुछ लगे दा ते ए फार्म कुछ आ दा वह भी धांधली फेक ए फार्म भी चला दे उसकी पुष्टि कौन करग और उस तो पहले मैं ये आखना चाहना कि सारे भरा कठुए के भरा जिन्हें भी है डिस्ट्रिक्ट कठुए के एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें अं आखना चाहते हैं चेतावनी देना चाहते हैं कि आने वाले दिन के अहें चाहते हैं कि जो सा रेता बजरी है अहें लोग यूज करना पंजाब वाले बिल्कुल यूज नहीं करेंगे साढ़े लोग यूज करेंगे सानू 10 रुपए सैकड़ा रेता बजरी मंजूर है अहें वध पैसे नहीं देने हैं लोगों लोग कट्ठा हो जाओ अहें तुहाडे कन्ने हैं जय हिंद जय भारत नहीं सनी जी तुसीं रेट की गल कीती है तो डीसी साहब ने रेट कढ़ी दी भी है कि केड़ा मटीरियल किन्ने दा मिलेगा उदे बावजूद भी मतलब कि वायलेशन होवा दी है इदा मतलब डीसी दी कोई पावर नहीं है उसी मैं उही तो आखना चाहना है कि डीसी साहब की भी नजर अंदाज किया जा रहा है मैं कल भी मीडिया दे माध्यम बोलिया हां कि डीसी साहब प्लीज डीएमओ साहब कने एक बारी पूछो पूछताछ करो अगर ते इदा रेत दा रेट 15 रुपए कीता दा सानू 35 रुपए क्यों मिला वा इसलिए ऑल इन ऑल डिस्ट्रिक्ट दे विच डीसी साहब ही ना जो भी क्योंकि इसलिए तो अफसरशाहिया भी है इसलिए तो कोई एमएलए है नहीं है कोई एमपी इसलिए है नहीं है अहें गल करनी तो करनी कुदों करने एल जी साहब ने भी 370 जो टुटी है 370 टुटने के बाद बाहर दियां कंपनियां आईए इत्थे राज करना स्टार्ट हुई हैं साढ़े लोगों का बेड़ा गर्क हुई है मैं थोड़ा एक गल और ऐड करूंगा क्या पंजाब चो इटा आना स्टार्ट हुई हैं तो देखियो ना साढ़े लोगों का इटे वाले का कारोबार ठप हुई है पंजाब चो किन्नी किन्नी तरीके का माल आ रहा और साडे लोग बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं हूँ आई कि ना लिक्विड पर गल करा मैं लिक्विड पर की साडे लोगों की बाइशा पाई हाँ वो भी इन्हें लोगों खपत करी उड़ी बाहर के लोग एको बंदा पंजाब का बंदा ना लैंग थोड़े दिन अंदर अंदर दिल्ली का बंदा और पंजाब का बंदा पूरा जम्मू एंड कश्मीर चला दा दुर्लांत है इो जी एडमिनिस्ट्रेशन पर और दुर्लांत है इो जी मेरे ऑप्शन पर जिन्हें ये साढ़े से नाकामयाबी से लोग बेरोजगार के जुड़े और पंजाब के दो बंदे सरकार चला दे तो ये सोच दियो कि डीसी साहब पर भी प्रेशर है कोई कोई राजनीतिक प्रेशर है कोई जेड़ा कि अग्गे कार्रवाई नहीं करा दे डीसी साहब पर प्रेशर अहें कल भी बोलिया डीसी साहब ईमानदार ने मैं पहले हाल भी बोला ईमानदार हो सकते के पता कोई राजनीतिक प्रेशर हो पिछो प्रेशर ही है क्योंकि 15 रुपए की चीज सू 35 रुपए की गरीब बंदे की मिला दी है तो यूथ जी कटी हुई है इसे कटी हुई है कि जी 15 रुपए चीज डीसी साहब 15 रुपए की मिलनी चाहिए है और
ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਮਾਲ 5 ਰੁਪਏ 5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਾਲ ਉਧਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਉਹ 50-50 ਫੁੱਟ ਮਾਲ ਕੱਢਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ DMO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਧਬੁੱਧ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ DMO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤੀ ਆ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਐਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰ ਸਭ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਐਸੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਦੀ EC ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੀਜ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੈਕਸਿਸ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚਲਾ ਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਨਵਾਲਵ ਨੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਥੱਲੋਂ ਲਈਏ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਗਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਗ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾ ਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ ਭਗਤੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਰੇ ਮੈਂ 10 ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖੱਡ 'ਚ ਭਰਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਿੱਕਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਈਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 500-500 ਫੁੱਟ ਖੱਡਾ ਪਈਦਾ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਭਰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਖੱਡ 'ਚ ਭਰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੈਨ ਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇੰਨੀ ਆਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਿਲੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਮੱਗਰ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੱਗਰ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਫੁੱਟ ਦੇ ਖੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁੰਨ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕੁੰਨ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਆਹੀ ਦੇਖਣਗੇ ਮੱਗਰ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਘਾਟ ਦੀ ਉਸ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਕੋਣ ਕੌਣ ਮਾਲ ਲਈਏਗਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਉਧਰੋਂ ਮਾਲ ਲਈਏਗਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਜੈਸਾ ਅਭੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਟਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਸਾਈਡਡ ਬਾਈ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ DC ਕਠੂਆ ਐਂਡ ਲਿਸਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਗਜ਼ਟਡ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈਦਰ ਇਨ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਸ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਰੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਮੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੇ ਜਬ ਆਪ ਬਜਰੀ ਲੇਤੇ ਹੋ 20 mm 10 mm ਜਾਂ ਆਪ ਰੇਤਾ ਲੇਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੋਲਡਰ ਲੇਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੈਟਮਿਕਸ ਲੇਤੇ ਹੋ ਉਸਕਾ ਆਪਕੋ ਯੇ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਨ ਰੇਟਸ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸੇ ਅਗਰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਆਗੇ ਕੀ ਵੀ ਬਤਾ ਦੂੰ ਕਿ ਕਿਆ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਆਗੇ ਕਿਆ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋ ਸਕਤੇ ਹੈ ਉਨ ਰੇਟਸ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਕੰਪਲੇਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋ ਕਠੂਆ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੱਕ ਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ DMO ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਕੋ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੇਗਾ ਕਹਿਣੇ ਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਰਸੂਖਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਵੋ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦੇਂਗੇ ਔਰ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੇਂਗੇ ਚਾਹੇ ਵੋ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਗਾ ਚਾਹੇ ਵੋ ਕੋਈ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਤੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਕੇ ਲਈ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ ਲੋਕੋ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸਰ ਢਕਣੇ ਕੇ ਲਈ ਛੱਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ ਉਨ ਲੋਕੋ ਕੋ ਹੈ ਔਰ ਹਮਕੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕੋ ਕੋ 15 ਰੁਪਏ ਮੇਂ ਰੇਤਾ ਮਿਲਤਾ ਥਾ ਵੋ ਆਜ 35 ਰੁਪਏ ਮੇਂ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹੈ ਆਪ ਲੋਕਲ ਲੋਕੋ ਕੀ ਜੋ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਉਸਕੋ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਆਪ ਭੇਜੋ ਮਾਲ ਕੋ ਅਮਰੀਕਾ ਹਮੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਮਗਰ ਪਹਿਲੇ ਹਮਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕੋ ਕੋ ਚਾਹੀਏ ਮਾਲ ਔਰ ਵੋ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਉਨ ਬਾਜ਼ੀ ਰੇਟੋ ਪੇ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨੇ ਨਿਕਾਲੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਿਆ ਸਮਝਤੇ ਆਪ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਪੁਲ ਜੋ ਡੈਮੇਜ ਹੁਆ ਹੈ ਨੀਚੇ ਸੇ ਪੂਰਾ ਬੈਡ ਨਿਕਲ ਚੁਕਾ ਹੈ ਇਸਕਾ तो क्या समझते हैं आपकी कोई बड़े नहीं, नहीं कोई बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है डायरेक्टली डायरेक्टली खनन माफिया की देन है खनन माफिया ने माल खोदा ऊपर से पानी का प्रेशर एक जगह पे पड़ा उसकी जो मेन पिलर थी वो हिल गए नीचे से और हादसे का जब अमरनाथ यात्रा चल रही थी तब आपने देखा होगा हमने उस तब भी अपोज किया था उसके बाद फिर से एक दो जो फंक्शनरी जो आर्मी की मूवमेंट्स थी वो हुई हमने तब भी अपोज किया कि क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है क्या जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा फिर उसको आप किस तरीके में लेंगे ये बिल्कुल भी इसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है आपके चैनल के माध्यम से मैं जिला इंतजामिया को और जम्मू इंतजामिया अपनी यूटी सरकार जो भी LG साहब चला रहे हैं उनके हमने एक सामने एक सबमिशन रहेगा कि इसको सुचारू ढंग से चलने दीजिए बहुत सी चीज़ें हैं प्रकाशित होने वाली लोगों में जाने वाली कि इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं लोकल लड़के कहाँ एडजस्ट हो रहे हैं कहाँ एडजस्ट नहीं हो रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है लेकिन आज की डेट में जो हमारा एजेंडा है वो है माइनिंग हम उस पर भी बात करेंगे हम हर उस चीज पे बात करेंगे जो हमारे कठुआ के खिलाफ होगी जय हिंद जवाहर